अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, फऔज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। व ला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फाहिशतन व मक़ता व सा'अ सबीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हमारे मुआशरे के अंदर जहाँ दीगर बहुत से अलमिये हैं, वहाँ पर एक ये भी है कि अगर किसी इंसान से कभी कोई गुनाह सरजद हो जाए तो उस गुनाह को उस इंसान के साथ नहीं जोड़ा जाता, बल्कि उसके नज़रियात और उसकी सोच और उसके इदारे और उसकी तंजीम के साथ उसको हमेशा जोड़ दिया जाता है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई बच्चा स्कूल से बाहर निकला, वो स्कूल यूनिफॉर्म के अंदर है और उस बच्चे ने कोई शरारत कर ली, तो टोकने वाला उसको ये नहीं कहता कि आपने ये काम गलत किया है या आपने ये काम क्यों किया है, बल्कि इसके बजाय वो उसको क्या कहते हैं कि जी आपको स्कूल वाले यही कुछ सिखाते हैं, या आप किस इदारे में पढ़ते हो, वहां आपकी क्या तरबियत हो रही है। हालांकि हम कुरान मजीद का मुताला करके देखते हैं, सूरह मरियम के अंदर जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को बेटे की खुशखबरी दे दी और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पेट से हो गई और मरियम अलैहिस्सलाम अब क्या कहती फिर रही हैं कि मैं अब कौम को क्या मुंह दिखाऊंगी, लम यमसस्नी बशर, मुझे किसी बंदे ने आज तक हाथ नहीं लगाया, औलम अकु बगिया, और ना ही मैं कोई नाफरमानी करने वाली, बगावत करने वाली, किसी बदकारी के अंदर मुतला होने वाली में से हूँ। तो अब आगे चलकर जब वो बच्चे को लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गोद में लेकर कौम के सामने आती है, तो कौम वाले उनको क्या कहते हैं, मा कान अबू किमरा सो व मा कानत उम्मु की बगिया, न तेरा वालिद ऐसा था न तेरी वालदा ऐसी थी, ये क्या कर दिया तूने। तो घर तरबियत की जगह है, माहौल उसका घर वाला जो होता है वो उस पर ज्यादा असरअंदाज हुआ करता है। तो जब भी हमारे मुआशरे में किसी भी इंसान से कभी भी कोई गुनाह गलती हो जाती है तो उसको फौरन किसी इदारे के साथ, किसी चीज के साथ उसका लेबल चस्पान कर दिया जाता है। और इसमें सबसे ज्यादा दुख वाली चीज ये है जब यही गलती कोई ऐसा आदमी कर रहे जो दीन से मुताल्लिक हो, वो मुअज्जिन हो, वो इमाम हो, वो बच्चों को पढ़ाने वाला कारी साहब मुदर्रिस हो, वो स्कूल के अंदर कोई मुअल्लिम हो, कोई भी इस तरह का हो, अगर उससे इस तरह की कोई गलती हो जाए करती है तो अमूमन उस इंसान को नहीं, उस इदारे को और इस्लाम को और दीन को बदनाम किया जाता है। व्यूअर्स, मैं आपके सामने जो आज सवाल लेकर हाजिर हुआ हूं और मुझे आपसे ये पूछना है और कमेंट बॉक्स में मुझे आपकी राय चाहिए कि क्या ये जो जिंसी ज्यादतियां होती हैं क्या सिर्फ मदारिस में होती हैं? दूसरी बात, क्या ये फेल गुनाह है या करने वाले के साथ इस फेल का गुनाह होना ज्यादा हो जाता है और फिर मैं और आप उस बात को फैला फैला कर मजीद दीन की बदनामी का सबब तो नहीं बन रहे? थोड़ा सा बैकग्राउंड की तरफ आ जाती है। हर इंसान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ये जिंसी ख्वाहिश रखती, इसके साथ नफ्स को लगा दिया। यही वजह है कि जब ये इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्मों को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर पूरा करता है तो ये इसका मकाम फरिश्तों से भी बढ़ जाता है, और जब ये अपने इस असल काम से ईमान और यकीन और आमाल सालिहा से हट जाता है तो इसका मकाम जानवरों से भी बदतर हो जाता है। और जानवरों से बदतर होने की वजह ही यही है, जानवरों को अल्लाह तबारक व तआला ने जिस खिदमत के लिए पैदा किया वो तो कर रहे हैं, इंसान को अल्लाह ने अपनी मारिफत के लिए, खिदमत इंसानियत के लिए, इबादत के लिए पैदा किया, वो काम नहीं कर रहा। तो क्या जब अल्लाह ने इसके अंदर ये जिंसी ख्वाहिश को रख दी तो इसके पूरा करने के अल्लाह ने असबाब नहीं पैदा किए थे? अल्लाह तबारक व तआला ने पहले दिन से अगर हवा अलैहिस्सलाम की तख्लीकी इस मकसद के लिए की थी, तो फिर क्या वजह है कि इंसान जिंसी बेराह रवि का शिकार हो रहा है? या जब गलती हो जाती है किसी इंसान से, गुनाह हो जाते हैं, और उसके बाद आज का जमाना स्पेशली ग्लोबलाइजेशन है, इंटरनेट का जमाना है, मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मौजूद है, बात फौरन मुंह से निकली और आसमान तक पहुंच जाती है, सारी दुनिया में फैल जाती है, और उसमें जब मुलव्वस कोई दीनी इदारे का आदमी हो तो वो फौरन दीन की बदनामी का सबब बन जाता है, तो क्या सिर्फ ये चीजें मदारिस के अंदर ही होती हैं? ये बिल्कुल गलत है, ये नजरिया बिल्कुल गलत है।
ये एक इंसान का फेल है और हर इंसान के अंदर ने अल्लाह तबारक व तआला ने जिंसी तलब रखी है। हम देख लेते हैं उन मुआशरों को जो अपने आप को बेहतरीन तरीन मुआशरा कहते हैं। अमेरिका के अंदर एक बाप अपनी स्टेप डॉटर सुतीली बेटी के साथ 17 साल तक ज्यादती करता रहा और उसको घर के अंदर कैद करके रखा। हम आ जाते हैं एक बड़े वेल रिप्यूटेड इदारे की तरफ एबटाबाद के अंदर कि वहां पर 7वीं पढ़ते बच्चे ने खुदकुशी की थी। वो क्या असबाब थे, वो कौन सी चीजें हैं कि जो वो इस हद तक हमें लेकर जाती हैं। फिर उस बच्चे ने खुदकुशी की तो उसकी रीजंस को क्यों सामने नहीं लाया गया। तो आते हैं पहले असबाब की तरफ कि इन जिंसी वाकयात वो आम माशरे के अंदर हो रहे हैं, किसी इदारे के अंदर हो रहे हैं या बाहर हो रहे हैं, इसकी वजूहात क्या है। तो इसकी वजूहात में से सबसे पहली वजह, जो सबसे बुनियादी वजह, वो है अल्लाह रब्बुल इज्जत से डर का ना होना। जब इंसान डरता है अल्लाह से और उसको ये मालूम है कि मेरा रब मुझे हर जगह, हर पर्दे में, हर खुली जगह में देख रहा है, सुन रहा है और वो 24 घंटे अंडर ऑब्जर्वेशन है, दीवारों के कान हो या ना हो, फरिश्तों के पास कलम है, अच्छाई भी लिख रहे हैं बुराई भी लिख रहे हैं, यालमूना मा तफअलून, अल्लाह फरमाते हैं वो जानते हैं जो कुछ तुम करते हो, और क्यामत में वो नामा अमाल को गवाह के तौर पर लेकर भी आएंगे, पेश भी करेंगे। तो जब इंसान के दिल में अल्लाह का डर नहीं होता तो वो गुनाह की तरफ जाता है, बल्कि हर इंसान के अंदर तबान ऐसी चीजें आती हैं, लेकिन गुनाह पे जुर्म वही करता है कि जिसके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं होता। ये सबसे बुनियादी चीज है, ये वो चीज है जो इंसान को उसकी जिम्मेदारियां पूरी करने पर बरंगेख्ता करती हैं। ये वो चीज है जो रोजादार आदमी को सख्त गर्मी में मुशक्कत का काम करने के बाद, धूप में खड़े होकर पसीने बहाने के बाद भी घर आकर तन्हाई में, अकेले घर में फ्रिज से ठंडा पानी निकाल कर पीना नहीं देता। वो क्या है, वो मेरे अल्लाह का खौफ है, उसका डर है और उसका ये एहसास है कि मेरा रब मुझे देख रहा है। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात, क्योंकि अल्लाह ने तबी तौर पर उसके अंदर रख दिया है, तो हमारे मुआशरे के अंदर निकाहों की देरी वो भी इसके एक सबब हो जाता है कि बच्चा जवान हो गया, अब इंतजार किया जा रहा है कि अब तक तो वो पहियों पे चल रहा था तो जब ये अपने पांव पे खड़ा होगा तो इसका निकाह करवाएंगे, तो फिर वो जिंसी बेराह रवि का शिकार हो जाया करता है। हदीस का मफहूम है, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे फरमान मुबारक का मफहूम है कि जब वालदेन साहिब इस्तताअत हों, वुसत रखते हों और इसके बावजूद वो अपने बालक बच्चे का निकाह नहीं करवा रहे तो उसका बच्चा जो गुनाह करता है वो वालदेन के जिम्मे है, उसको भी गुनाह मिलेगा लेकिन ये वालदेन भी उसके जिम्मेदार है। एक सबब ये आ गया। फिर यहां पर एक सवाल और भी पैदा हो जाता है कि फिर जो शादीशुदा आदमी गलत जिंसी बेराह रवि की तरफ जाता है उसका सबब क्या है। मैं इससे पहले अर्ज कर चुका कि ये चीजें तबान है, इंसान के अंदर फितरत में रखी हैं, उसकी जिंसी हवस का होना, उसकी इस भूख का होना उसके अंदर मौजूद है। अब ऐसा भी है कि मिसाल दे देते हैं, एक आदमी शादीशुदा है और उसकी बीवी है, मसलन उसने अभी बच्चा डिलीवर किया, उस बच्चे की पैदाइश हुई वजह हमल के बाद, अब 20 दिन 25 30 40 दिन तक वो बीवी के पास नहीं जा सकता, और मुआशरे का अलमिया कि हम लोग दूसरी तीसरी चौथी शादी की इजाजत नहीं देते, तलब उसको है, तो फिर क्या होता है, फिर उसको बाहर से कोई भी हल्की सी तवज्जो दे देता है तो वो उसकी तरफ मुतवज्जो होकर वो गुनाह के अंदर पड़ जाया करता है। इसके अलावा एक सबब बिलखुसूस बच्चे, छोटे बच्चों के साथ ज्यादती जो आमतौर पर मशहूर ये कि मदारस में ज्यादा होती है, इसका सबब क्या है। इसका सबब हमारी अपनी औलाद को जिंसी तरबियत न देना, उनको न सिखाना, उनको सेक्सुअल एजुकेशन की अवेयरनेस न देना है। हम अपने बच्चे को कभी नहीं सिखाते कि बेटा जो आपका महरम नहीं, आपका बाप नहीं, आपका भाई नहीं, आपका चच्चा नहीं, आपका मामू नहीं, इसके अलावा जितने रिश्ते हैं वो गैर हैं, वो आपको टच करने के, किस करने के, हग करने के मजाज नहीं है, वो आपके साथ खलवत में अकेले में रहने के मजाज नहीं है। छोटा बच्चा जब तक उसकी दाढ़ी मूंछ नहीं आती वो लड़की की तरह है, उसके लिए रिश्ते गैर महरम हैं। जब हम उस बच्चे को नहीं सिखाते और फिर उससे आगे बढ़कर जब हम ऐसे बच्चे को किसी हॉस्टल के अंदर डाल देते हैं, वो मदरसा हो या हॉस्टल स्कूल वाला हो, तो फिर वो बच्चा वहां पर
इस एजुकेशन के ना होने की वजह से, इस माइंड कंसेप्ट के ना होने की वजह से बिल आखिर बेराह और अबीक का निशाना बन जाया करता है। अब आती है इसके इंसिदाद की तरफ कि इसका इंसिदाद कैसे किया जाए। हमने जो सबसे पहली बात कही थी कि अल्लाह का डर ना होना, तो इसके लिए सबसे बेहतर क्या है, हजरत लुकमान जिनका जिक्र कुरान हकीम में भी आता है, लुकमान हकीम वो अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं, या बुनैया इन वजब तकौमी यज़कुरूनल्लाह, ए बेटे तू ऐसे लोगों को देखे जो अल्लाह को याद कर रहे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहे हैं, फजलिस माहूं उनके साथ बैठ जा। क्यों? क्योंकि अगर तुम उनके पास बैठोगे तो खैर से ये बात खाली नहीं है। इन कुंता आलिमन जादू का इल्मा, अगर तू इल्म वाला है वो तेरे इल्म में इजाफा करेंगे। वो इन कुंता जाहिलन आलिमों का, और अगर तू जाहिल है, गवार है, ला इल्म है, तो वो तुझे सिखा देंगे। इन कान अल्लाह अरादा बिहिम खैरन युसिब का मिन, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने उनके साथ भलाई का खैर का इरादा किया तुझे भी उसमें से हिस्सा मिल जाएगा। तो मकसूद ये हुआ कि हमें अल्लाह वालों की सोबत हर वक्त रखनी चाहिए, जिसकी वजह से हमें खौफ खुदा हासिल होगा। सोबत सालेहरा सालेह कुनन, सोबत तालेरा ताले कुनन। नेक आदमी की सोबत नेक बनाती है, बद आदमी की सोबत बद बनाती है। नेक की सोबत रही तो उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु क्या कह रहे हैं कि तुझे तो ऊंट चलाना नहीं आता था, अल्लाह ने 64 लाख मुरब्बा मील का मालिक किया और सहाबी के लाए और दुनिया में जन्नत की बिशारत दी गई रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़ुआन, सोबत की वजह से सहाबी बने। तो उनकी सिटिंग, उनकी मजलिस नेक लोगों के साथ रखें, अपनी भी बच्चों की भी। दूसरा सबब हमने बयान किया, निकाहों का महंगा करना, मुश्किल करना, ग्रां करना, बच्चों को लटकाए रखना बावजूद साहिब वसत होने के उनकी शादियां ना करवाना, तो इसका तो बहुत आसान है तदारुक करना। हर वो वालदेन जो ये समझते हैं कि मैं अपने बच्चे को माहाना मेडिकल का अलाउंस दे सकता हूं, मैं उसका जो रोजमर्रा की एसेंशियल्स हैं, ग्रॉसरी है, करियाना है, सब्जी है, गोश्त है, ये चीजें मैं उसको मुहैया कर सकता हूं, और मैं उसको अलग से एक कमरा, वॉशरूम, किचन दे सकता हूं, वो पहली फुर्सत में अपने बच्चे की शादी करवा दे। रिजक उस रब ने देना है, रिजक का वादा उसका है। इस पे ना रहे कि बच्चा अपने पाँव पे खड़ा होगा, पाँव पे खड़े होने के इंतजार में कहीं वो हमारी नाक ना कटवा दे, हमारे पाँव ना कटवा दे। तीसरा सबब हमने जो यहाँ पर बयान किया वो ये था कि कोई शादीशुदा आदमी जब बेराह और अबीक का शिकार होता है तो यहाँ पर हमारे इस पूरे माहौल को बदलना होगा। जो हमारे यहाँ एक शादी का तसव्वुर है इसको खत्म करें, 2-3-4 खुद करवाएं। कई ऐसे घर हैं, फैसलाबाद की कारगुजारी देखी कि खुद वालिद की 4 शादियां, बेटे की भी 4 शादियां करवा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाल एक ही घर के अंदर रह रहे हैं। हिंदुइज्म में ये तसव्वुर है कि जब खावन मर जाता था बीवी को भी उसी के साथ जला दिया जाता था। हम चूंकि सब कॉन्टिनेंटल के अंदर उनके साथ इकट्ठे रहे तो इस वजह से हम भी दूसरी तीसरी शादी की तरफ नहीं जा रहे। और बाज़ लोग ये कहते हैं कि ये जी बीवी से मोहब्बत का तकाजा है, मान लिया बीवी से मोहब्बत, बिल्कुल ठीक है, औलाद से भी तो मोहब्बत होती है। जब आपका एक बेटा या एक बेटी हो गई थी फिर क्यों आपने दूसरे बेटा या दूसरी बेटी की तरफ इकदाम किया, ना करते? मोहब्बत तकसीम नहीं हो रही, मोहब्बत तकसीम करने से बढ़ती है। यहां जरब वाला फार्मूला चल रहा है, माइनस वाला फार्मूला नहीं चल रहा, ये मनफी नहीं हुआ करती, ये बड़ा करती है। और आखिरी चीज जो बिलखसूस इस वीडियो का हासिल है कि मदारिस को बदनाम ना करें। एबटाबाद पिप्स 2012 साथी में पढ़ता बच्चा, हॉस्टल वाला बच्चा, वो खत भी लिख रहा है और खत आज भी आप इंटरनेट पे गूगल भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, वो मौजूद है इमेजेस के अंदर, कि बच्चे ने ये बात कही थी कि अम्मी जान मुझे माफ कर देना, मैं हॉस्टल की वजह से खुदकुशी कर रहा हूं, और अपने छोटे भाइयों को भी जिक्र किया इनको हॉस्टल में नहीं रखा। वहां पर फिर वो क्या हो रहा है, मैनिपुलेट हो रहा है सीनियर्स के हाथों, टीचर्स के हाथों, फिर आपने उसके ऊपर प्रेशर रखा हुआ है, तुम पे इतना खर्च कर रहे हैं, तुम्हें घर से निकाला हुआ है, तुम तालीम क्यों नहीं हासिल कर रहे हो, तुमने ए ग्रेड लेकर आना है, ए प्लस लेकर आना है। तो फिर क्या होता है, उधर मार्क्स कम, उधर वालदेन की बेइज्जती का डर, खुद उनसे भी मार खाने या बेइज्जत होने का डर, वो टीचर की मेहनत कर रहा है और नाउज़ बिल्ला
टीचर तो वो है ही नहीं, वो इंसान ही नहीं है जो कि ऐसी सोच रखता है, टीचर तो दूर की बात। और फिर वो उस बच्चे को मैनिपुलेट करता है, वो उसके नंबर बढ़ा रहे हैं और अगेंस्ट उसके वो अपनी जिनसी ख्वाहिश को पूरा कर रहा है। दूसरी चीज, बोर्डिंग स्कूल हो या मदरसा हो, जहां कहीं हो बच्चे इकट्ठे रहते हैं। बच्चे जब इकट्ठे रहते हैं, याद रखिए जिनसी तलब के लिए बच्चे का बालक होना जरूरी नहीं हुआ करता। किसी छोटे बच्चे को आप देख लें, वालिद हैं आप, आपका ही बेटा है 3 साल का 4 साल का, जब भी पेशाब की शिद्दत आती है उसको, छोटे पेशाब की, आप देखते हैं कि उसके आजा के अंदर तब्दीली रुमा हो जाया करती है, तो वो उसको फ्रिक्शन के साथ, रगड़ के साथ, हर एक आदमी को उससे फरहत महसूस होती है, उससे कुछ निकल रहा है या नहीं निकल रहा, लेकिन उसको फर्क महसूस होती है। तो छोटे बच्चे भी आपस में करीब हो जाया करते हैं, और बाज़ औक़ात बड़ा बच्चा छोटे बच्चे को, उम्र एक ही होती है, कोई जल्दी बालग हो जाता है, कोई नहीं होता, कोई 13 साल की उम्र में बालग हो रहा है, कोई 14 में, कोई 15 में, और साथ में जो बच्चे है वो नहीं हुआ, तो वो अपनी जिनसी तलब भी उससे पूरी कर रहा होता है। वो कोई भी इदारा हो, वो मदरसा हो या कोई भी, जहां बोर्डिंग है और वहां पर अगर बच्चों की केयरनेस, बच्चों के रहने में एहतियात नहीं की जा रही, छोटे नाबालिग बच्चों को, बगैर दाढ़ी मूंछ की बात ही कर रहा, नाबालिगों को अलग, बालगों को अलग नहीं रखा जा रहा, और नाबालिगों के लिए भी फिर उसमें भी कैटेगरीज हैं, अगर उनको अलग नहीं रखा जा रहा तो वहां पर ये जिनसी बेराह और रवि के वाकयात होते हैं। रात तो छोड़िए, रात तो दूर की बात, दिन में होते हैं कि बच्चे को मैनिपुलेट किया जा रहा है और उसको उसी स्कूल, उसी मदरसे, उसी मस्जिद के वाशरूम में ले जाकर वहां पर उससे जिनसी ज्यादती की जाती है। आज भी ये वाकयात हो रहे हैं, और उसकी बुनियादी वजह हमने अपने बच्चों को अवेयरनेस नहीं दी। और उसके अलावा जो और बड़ा रीजन ये है कि हम अपने बच्चों पर हर वक्त प्रेशर बनाकर रखते हैं, गुस्सा करते हैं, दबा कर रखते हैं, वो अपनी फीलिंग्स को अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर सकता, वो अपने पेरेंट्स के साथ बात नहीं कर सकता, जिसका नुकसान ये होता है उसके साथ कुछ भी गलत हरकत होती है, कोई भी ऐसा वाक्य होता है, वो डर से अपने वालिदैन को बता ही नहीं रहा, उल्टा वालिद मुझे ही कहीं ना सजा दे दे। तो अपने बच्चों के साथ थोड़ा सी फ्रेंक हो, अपने बच्चों को अवेयरनेस दें हर चीज की। मैं एक ऑनलाइन टीचर हूं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया से मेरे स्टूडेंट्स थे, अब भी हैं, बच्चियाँ भी थी, बच्चे भी थे। तो जब जाहिर सी बात है इर्द गिर्द सारी की सारी फैमिलीज, वो नॉन मुस्लिम कंट्री है, अक्सरियत वहाँ पर नॉन मुस्लिम्स की है, तो एक दिन उसने मुझे कहा, बाप ने, कि आज बच्चे नहीं पढ़ सकते क्योंकि आज हमारा बारबेक्यू का प्रोग्राम है। फिर मैंने उससे पूछा इसकी वजह क्या है, उसने कहा आज स्कूल के अंदर बारबेक्यू था, नहीं मालूम कि वहां पर गोश्त हलाल का होगा हराम का होगा, तो मैंने उसके अल्टरनेट बच्चों के लिए घर पे अरेंजमेंट कर दिए। इसी तरह से जब बच्चियों से महसूस मसाइल पे पालक बच्ची थी डिस्कशन हो रही होती, तो वो कहती ये चीज हमें मालूम है, हमें हमारे वालिद ने बताई है। वालदा थोड़ी कम एजुकेटेड, इस्लामी तालीमात कम वाली थी, और उसका वालिद भी मुझसे पूरा कुरान पढ़ चुका था, वो ज्यादा एजुकेटेड था, वो अपनी बच्चियों को खुद साथ साथ सिखा रहा था। हमारे माशरे में ऐसी हमने आर्ट रखी है, बच्चे हमसे जायज बात भी नहीं कर सकते, और ऐसी अवेयरनेस, उनको सेक्सुअल अवेयरनेस, उनको बुलूगत के अहकामात, तो सवाल ही नहीं पैदा होता हमसे कहें। स्कूलों के अंदर बायो, फिजिक्स, मैथ सब कुछ हो रहा है, लेकिन नहीं हो रहा, तो उनको रोजमर्रा की जिंदगी नहीं सिखाई जा रही, उनको अवेयरनेस नहीं दी जा रही, उनको नहीं बताया जा रहा कि ये चीजें आखिरत में कितनी नुकसानदेह हैं, सेहत के लिए दुनिया में कितनी नुकसानदेह हैं, इससे तुम्हारे तबीयत के अंदर कितने जो है वो बुराइयां जन्म लेती रहेंगी, तुम्हारी आदत कितनी डिफरेंट हो जाएंगी, तुम रिश्तों का एहसास भूल जाओगे। ये सब कुछ उसको हम जब अवेयरनेस नहीं देते, वो फिर बेराह और रवि का शिकार हो जाया करता है। लिहाजा याद रखिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जिनसी बेराह और रवि का शिकार ना हो, सबसे पहले हमने क्या करना है, उनको औलियाउल्लाह की, नेक लोगों की सोहबत में बिठाना है, उनको खौफ खुदा देना है, उनको दुनिया के फ्यूचर से नहीं डराना, उनको आखिरत से डराना है, कि जिस दिन हर इंसान कहेगा कि मा लिहाज़ल किताब, इस नामे अमाल को क्या हो गया, ला युगादिरु अलैना सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, कोई छोटी बड़ी बात ऐसी रही नहीं जो इसमें लिखी हुई ना हो, उस दिन से उनको डराए। दूसरा पॉइंट कि अपने बच्चों की बरवकत शादियां करवाएं। तीसरा पॉइंट जो बिलखसूस औरतों के लिए, अपने खावंदों को एक शादी तक महदूद ना रखें। और चौथा पॉइंट जो खास तौर पे अपने बच्चों को बोर्डिंग में ना भेजें, भेज रहे हैं तो वेल अवेयरनेस उनको दें, और लगातार औलाद के लिए वक्त निकालें, हर वीकेंड पे जाएं, मुलाकात करें, मामूलात पूछें इदारे से, इंतजामिया से मामूलात पूछें, विजिट करें रूम्स का, रूममेट्स को देखें उनके, हर एक चीज को खुद भी ऑब्जर्व करें। हमने ये सारे असबाब अगर अख्तियार किए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात से उम्मीद है
कि अल्लाह तबारक व ताला हमारे बच्चों को इस जिनसी बेराह रवि के इस्तेमाल होने से और उसमें मुब्तला होने से महफूज रखेंगे। और सबसे बड़ी बात, हमने हर वक्त अल्लाह के आगे हाथ उठाने कि अल्लाह ये नियामत तूने दे दी क्यामत वाले दिन, सुम्मा ला तुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, हर आदमी से हर नियामत के मुतालिक पूछा जाएगा, इस औलाद के मुतालिक पूछा जाएगा, ए अल्लाह तूने मुझे नियामत दे दी, ए अल्लाह तू इसकी हिफाजत कर, जो असबाब है मुहैया कर रहे हैं, बेटों पे एहसान ना करें, मैं ये खर्च कर रहा हूँ, तुम्हारी जिम्मेदारी है, जब तक बालग नहीं होता तुमने खर्च करना है, शरीयत ने वाजिब कर दिया तुम्हारे ऊपर। अब अगली बात, जो तुम्हारी दूसरी जिम्मेदारी थी तरबियत, वो तुमने की है या नहीं की, ये भी तुमसे पूछा जाएगा। लिहाजा बच्चों को खुद वक्त दें, तालीम भी दें, तरबियत भी दें, और स्पेशली उनको सेक्सुअल अवेयरनेस जरूर दें, वरना कल को सारे माशरे में मुझे और आपको रुसवा होना पड़ेगा। और अपने हाथ हर नमाज के बाद, हर नेक अमल के बाद, और खास तौर पर जो सबसे ज्यादा कबूलियत की घड़ी है तहज्जुद की, उसमें उठकर अपनी औलाद के लिए रो रो कर अल्लाह तबारक व तआला से मांगे कि ए अल्लाह हम जैसे तैसे थे, गुनाहगार थे जैसे थे, ए अल्लाह इस हमारी औलाद को नेक बना, इसको दीन के लिए कबूल कर, इसको आखिरत के लिए सदका जारिया बना। जब हम दुआ करते रहेंगे तो उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला जरूर रहम करेंगे, जरूर अल्लाह अपना फजल फरमाएंगे। अल्लाह मुझे और आपको समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।